देख रहे हैं केवल सच। मित्रों, लालू और बालू का रिश्ता बहुत पुराना है, क्योंकि सरकार किसी की हो लेकिन लालू परिवार का बालू के व्यापार से जुड़े लोगों के साथ, बालू के अवैध व्यापार, बालू माफियाओं से बहुत अंतरंग और घनिष्ठ संबंध रहा है। इसे मैंने कहा कि लालू और बालू का रिश्ता बहुत पुराना है। बालू माफिया थे जिन्होंने एक दिन में राबड़ी देवी के 8 फ्लैट को खरीदने का काम किया था। दो बड़े नाम बालू माफियाओं के, एक है सुभाष यादव। ये जो सुभाष यादव हैं, इनकी 3 बड़ी कंपनी है बालू की, जो बालू की माइनिंग करती है, ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, वंशीधर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मोर मुकुट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। और ये वही सुभाष यादव हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में राजद के टिकट पर चतरा से चुनाव लड़ने गए थे। तो रेलवे में नौकरी के बदले जो जमीन लिखवाया, उसी जमीन पर फ्लैट बना और उसी फ्लैट में 18 फ्लैट की मालकिन है राबड़ी देवी, और 8 फ्लैट एक ही दिन में बालू माफियाओं को बेच दिया जाता है। मित्रों, इसके पहले कि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार सरकार के 2 अलग अलग मंत्रियों के आपराधिक और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को हम लोगों ने उजागर किया था, आज एक और मंत्री जिनका नाम डॉक्टर रामानंद यादव है, जो अभी बिहार सरकार के बालू विभाग यानी खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री हैं। मित्रों, लालू और बालू का रिश्ता बहुत पुराना है, क्योंकि सरकार किसी की हो लेकिन लालू परिवार का बालू के व्यापार से जुड़े लोगों के साथ, बालू के अवैध व्यापार, बालू माफियाओं से बहुत अंतरंग और घनिष्ठ संबंध रहा है। इसे मैंने कहा कि लालू और बालू का रिश्ता बहुत पुराना है, और ये बालू माफिया थे जिन्होंने एक दिन में राबड़ी देवी के 8 फ्लैट को खरीदने का काम किया था। और आपको ये जानकारी मिली होगी कि परसों पटना जिला के जो खनन कार्यालय है, माइंस डिपार्टमेंट की जो ऑफिस है, वहाँ पर एक संतोष कुमार नामक युवक, जो अपने आप को सत्ताधारी दल के एक विधायक से का नज़दीकी बता रहा था, वो घुसकर और किस प्रकार का गाली गलौज कर रहा था, किस प्रकार की धमकी दे रहा था, जान से मारने की धमकी दे रहा था, सरकारी गाड़ी पर हाईवा चढ़ा देंगे, रास्ते में गोली मार देंगे, कागजात हाथ से छीन कर मुंह पर फेंकने का काम किया, और स्वयं को रीतलाल यादव, जो दानापुर के माननीय विधायक हैं, उनका अपने आप को आदमी बता रहा था। मित्रों, डॉक्टर रामानंद यादव पर अनेक गंभीर आपराधिक मामले हैं। आप अगर चुनाव आयोग में जिन्होंने एफिडेविट फाइल किया है उस पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि रंगदारी से जुड़ी धारा उन पर है, और रंगदारी में भी एक्सटॉर्शन, मौत का भय दिखाकर एक्सटॉर्शन, जिसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है, अवैध हथियार रखने का मामला उन पर लंबित है, जिसे 5 से 10 वर्ष की सजा है, पुलिस से हथियार छीनना न्यूनतम 10 वर्ष की सजा है, 35 आर्म्स एक्ट जिसमें 7 से 10 साल की सजा है, पुलिस से हथियार छीनना, हथियार छिपा कर रखना, चोरी का सामान रखना, ऐसे गंभीर आरोप उन पर लगे हुए हैं। पुलिस ने जो FIR दर्ज किया है उसमें विभिन्न धाराओं के अंदर ये सारे मामले उन पर चल रहे हैं। इसलिए हमने ये मांग किया है कि नीतीश जी को अपने मंत्रिमंडल से इस प्रकार की छवि के लोगों को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। और चूंकि बालू विभाग का सीधा संबंध लालू परिवार से है, यहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हितों में टकराहट है, तो इसलिए जो बालू का विभाग है यानी जो
खान एवं भूतत्व विभाग है वो राजद के कोटे से छीनकर कांग्रेस या जनता दल यू के कोटे में कोटे के अंतर्गत इसको दिया जाए। मित्रों, डॉक्टर रामानंद यादव अपने आप को कहते हैं कि मैं बीएन कॉलेज में प्रोफेसर था, होंगे भी प्रोफेसर, लेकिन जो उन्होंने अपना एफिडेविट फाइल किया है उसमें बीएससी के बाद सीधे पीएचडी दिखाया है, यानी फॉल्स एफिडेविट फाइल करने का मामला है। अगर आपने पीएचडी किया तो आपने कहीं ना कहीं से एमएससी किया होगा, और एक जगह नहीं दो जगह जो शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख है उसमें लॉ किया उन्होंने, बीएससी किया उन्होंने, और सीधे बीएससी के बाद पीएचडी। तो मुझे पता नहीं हिंदुस्तान के किस विश्वविद्यालय में बीएससी के बाद सीधे पीएचडी होता है। यद्यपि ये आज का मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन मैंने केवल एक उल्लेख कर दिया कि किस प्रकार के लोग हैं, इनको किसी का भी कोई डर नहीं है, और उसी का परिणाम है कि संतोष कुमार नामक एक व्यक्ति जिसका बालू का ट्रक ओवरलोडिंग में पकड़ा जाता है, उसकी इतनी हिम्मत हो गई, यानी हम लोग के 15 साल के भी कार्यकाल में कोई हिम्मत नहीं कर पाया था कि कोई सरकारी दफ्तर में घुसकर सत्ता पक्ष का व्यक्ति और इस प्रकार की गाली गलौज करे, धमकी दे। और रीतलाल यादव कौन है? रीतलाल यादव हमारे दानापुर की जो विधायक हैं आशा देवी, उनके पति सत्यनारायण जी की हत्या का आरोपी है, ट्रायल अंतिम समय में है। तो राष्ट्रीय जनता दल में किस प्रकार के लोग हैं ये उसका एक उदाहरण है। मुझे पता है कि रीतलाल यादव कल इनकार कर देंगे मेरे आदमी नहीं है, लेकिन दानापुर के विधायक हैं, और ये जो बालू का जो अवैध खनन होता है, जो हम लोग के समय भी होता था, उसमें अधिकांश राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोग उस अवैध खनन में शामिल हैं, वो सारे माफिया अधिकांश राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं, और इसलिए दो बड़े नाम बालू माफियाओं के, एक है सुभाष यादव। ये जो सुभाष यादव हैं इनकी 3 बड़ी कंपनी है बालू की, जो बालू की माइनिंग करती है, ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, वंशीधर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मोर मुकुट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। और ये वही सुभाष यादव हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में राजद के टिकट पर चतरा से चुनाव लड़ने गए थे, और ये लालू परिवार के बहुत बड़े फाइनेंसर हैं, और बालू का अवैध व्यापार करते इनकम टैक्स का कई बार इनके यहाँ छापा पड़ चुका है। और इस सुभाष यादव ने स्वयं अपनी कंपनी और अपनी पत्नी के नाम से 13 जून 2017 को माँ मरछिया देवी कॉम्प्लेक्स है, राबड़ी देवी की माँ का नाम माँ मरछिया देवी है, तो उनके नाम पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक दिन में सुभाष यादव ने 3 फ्लैट खरीदने का काम किया जिसकी कीमत 1,72,00,000 रुपया है। एक बालू माफिया 13 जून 2017 को राबड़ी देवी के 3 फ्लैट एक ही दिन में खरीदता है, और ये वही सुभाष यादव है जिसके बारे में मैंने बताया कि इसकी आधी दर्जन से ज़्यादा कंपनियां हैं, और एक समय में 237 करोड़ रुपए का बालू का खनन पट्टा उसको मिला हुआ था। ये पटना, अरवल, ये भोजपुरी जितने महत्वपूर्ण जिले हैं बालू के, इनका खनन पट्टा उनको मिला हुआ था। और इतना ही नहीं, तो एक और बालू के माफिया जिनका नाम है अरुण यादव, ये संदेश के पूर्व विधायक हैं, और अभी इनकी पत्नी वहाँ से विधायक है, और अरुण यादव 1.5 साल तक फरार थे, लगभग 2 माह पूर्व सरेंडर किया इन्होंने। और इन पर आरोप क्या है? एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोप है, इस मामले में 1.5 साल तक फरार थे, और जब आरा जेल में सरेंडर किए, यानी जब आरा में सरेंडर किए तो जेल उनको नहीं जाना पड़ा, सीधे जेल से ये अस्पताल चले गए, पिछले 1.5-2 महीने से अस्पताल में है, वहीं पर इनका जनता दरबार लगता है, और वहीं से बालू का चलान कटता है, वहीं से बैठकर बालू का अवैध व्यापार करते हैं।
और इस अरुण यादव की कंपनी है किरण दुर्गा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, और अपने बेटे और पत्नी के माध्यम से 2,56,00,000 का 5 फ्लैट उसी दिन खरीदा, यानी 13 जून 2017 को 3 फ्लैट खरीदा सुभाष यादव ने, राबड़ी देवी का 3 फ्लैट, और 5 फ्लैट खरीदा ये अरुण यादव ने, यानी कुल मिलाकर 4,28,00,000 रुपए का 8 फ्लैट एक ही दिन पटना के प्राइम लोकेशन में बालू माफियाओं के द्वारा खरीदा जाता है। और ये जमीन कौन सी है, रेलवे में नौकरी के बदले जो जमीन लिखवाया उसी जमीन पर फ्लैट बना, और उसी फ्लैट में 18 फ्लैट की मालकिन है राबड़ी देवी, और 8 फ्लैट एक ही दिन में बालू माफियाओं को बेच दिया जाता है। तो मित्रों, अब तो अपनी सरकार है यानी उनकी अपनी सरकार है, हम लोग की सरकार में भी बालू माफियाओं पर नीतीश जी बहुत अंकुश नहीं लगा पाए, अब तो अपनी सरकार है यानी लालू जी की सरकार है, और बालू माफिया उनको कौन रोक सकता है। और उसी का पहला उदाहरण था जो परसों घटना घटी है, और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी आप अगर किसी चीज़ का व्यापार करते हैं तो सरकार की किसी कमेटी में आप शामिल नहीं हो सकते हैं जो उसी विषय को देखने वाली कमेटी है, जैसे पार्लियामेंट की कमेटीज़ हैं। अगर आप कोई मान लीजिए बालू का व्यापार करते हैं या कोई माइनिंग का काम करते हैं तो माइनिंग से जुड़ी कंपनी के आप मेंबर नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो चूँकि लालू परिवार का बालू से बहुत पुराना संबंध है, बालू माफियाओं से संबंध है, और इसलिए मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करूँगा, पहली बात तो ये कि तत्काल अपराध के संगीन मामलों के आरोपी श्री रामानंद यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, और चूँकि लालू परिवार का बालू माफियाओं से संबंध है जिसका दस्तावेज और प्रमाण मेरे पास आ रहे हैं, तो यह विभाग राष्ट्रीय जनता दल से लेकर किसी अन्य राजनीतिक दल यानी जो उनको समर्थन दे रहे हैं उनको यह विभाग सौंपा जाए, और जो जिला खनन कार्यालय में जाकर जो घटना घटी है वो सोशल मीडिया में और बाकी में बहुत प्रमुखता के साथ वो पूरा समाचार छपा, उस FIR की कॉपी मेरे पास है, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, आप में से अधिकांश को उसकी जानकारी होगी, लेकिन कोई सरकारी पदाधिकारी इतनी हिम्मत दिखाए कि सरकारी सत्ता पक्ष के किसी विधायक के खिलाफ FIR दर्ज कराए, ये उन अधिकारियों को मैं दाद देना चाहूँगा, लेकिन मुझे पता नहीं कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि कार्तिकेय सिंह फरार है, सरकार ने फरार होने का मौका दिया और अभी भी पटना में अपने मॉल में ठाट से बैठे रहते हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये भी जो खनन माफिया है ये पकड़ा जाएगा, और अगर पकड़ा भी गया तो इनका जो बॉस है जहाँ से ये कंट्रोल होते, क्योंकि ये बड़े बड़े जो माफिया हैं इनके 50-60 इनके गुर्गे हैं, उनको उन गुर्गों के माध्यम से ये सोन नदी के इलाके में छपरा पटना जो भोजपुर का इलाका है उसका जो पूरा सोन का जो बेल्ट है वहाँ पर अपने गुर्गों के माध्यम से ये बालू का अवैध व्यापार करते हैं। एक और जहाँ सरकार के राजस्व की क्षति होती है वहीं दूसरी ओर राजनीतिक एक खास राजनीतिक पार्टी के खजाने में करोड़ों अरबों रुपया इसके माध्यम से और जाता है या जा रहा है। तो इसलिए रामानंद यादव को विलंब बर्खास्त किया जाए, और एक कहावत है दूध की रखवाली बिल्ली को दे दिया जाए, क्योंकि बिल्ली दूध पीती और किसी ने बिल्ली को ही दूध की रखवाली करने का जिम्मा दे दिया, तो ये माइंस डिपार्टमेंट उस पार्टी को दे दिया गया, उस व्यक्ति को दे दिया गया जिसका पूरा संबंध बालू माफियाओं के साथ है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि नीतीश कुमार जो सुचिता और बाकी की बात करते हैं, तो अभी तक तो जिन दो मामलों को हम लोगों ने उजागर किया उसके बारे में कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया है, इन ये रामानंद यादव के बारे में और इस बालू से जुड़े अवैध व्यापार के बारे में कुछ कार्रवाई करेंगे ऐसे मैं उम्मीद रखता हूँ। तो मित्रों, मुझे इतना ही कहना था, अगर इस विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो उसका मैं जवाब दूंगा, मुद्दों का जवाब दें, उसे सहानुभूति की जरूरत नहीं है, जो मुद्दे हम उठा रहे हैं
उन मुद्दों का पॉइंटेड जवाब देना, और इसका जवाब राजद क्या देगा, ये जनता दल क्या देगा, राजद के लोग जवाब देंगे ना, जो आरोप तो उनके मंत्री पर लग रहे हैं। तो मुद्दों पर बात करें, मुद्दों का जवाब दें, इधर इधर उधर की बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रामानंद जी, आप पे भी आरोप लगा कि आपने नोटिस भेजा था उनको मानहानि केस करने का, अभी आपने नोटिस, हमने लीगल नोटिस दे दिया, दो चार दिन में मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे, क्योंकि यही आरोप मनोज झा ने भी लगाया था दो साल पहले, उन पर भी मानहानि का मुकदमा दायर किया और उसका कॉग्निजेंस कोर्ट ने पिछले सप्ताह ले लिया है।